पार्टी ने झांसी की 4 में से 2 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। मऊरानीपुर सीट से पार्टी के जिलाध्यक्ष भगवान दास कोरी को कांग्रेस ने चुनाव मैदान में उतारा है, जहां आज मऊरानीपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं। बुंदेलखंड में भले ही भीषण ठंड पड़ रही हो, लेकिन यहाँ का सियासी पारा बहुत गर्म है। सुबह चाय की रेहड़ी हो, दुकानें हो या फिर गांव की चौपाल, सभी जगह विधानसभा चुनाव की ही चर्चा है और प्रत्याशी के जीत हार के गुणा भाग लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने झांसी विधानसभा से सभी दावेदारों को चुनाव में उतार दिया है, जिसमें मऊरानीपुर में कांग्रेस पार्टी ने भगवान दास कोरी को टिकट दिया है। विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। नामांकन करने पहुंच रहे प्रत्याशी जनता से बड़े बड़े वादे करते नजर आ रहे हैं। जहां आज भगवान दास कोरी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि पानी, बिजली, सड़क आदि जैसी समस्याओं के मुद्दे को लेकर चुनाव में उतरे हैं, जहां उन्होंने किसानों को उनकी समस्या से निजात दिलाने की बात कही है, सिंचाई की व्यवस्था का कार्य कराने का दावा किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम किसानों और मजदूरों की आधी रात में भी समस्या का निराकरण करने पहुंच जाते हैं। विधानसभा में सीट मिलने के बाद किसानों और मजदूरों की हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा। जनता के बीच में वादे, जनता के बीच में हमारे वादे हैं कि पानी की समस्याओं से हम अपनी क्षेत्र की जनता को निजात दिला देंगे और किसानों की पूर्णता से हम मदद करेंगे और किसानों को सिंचाई के लिए हमने व्यवस्था करवाएंगे उनकी, जो कि किसान हजारों एकड़ लखों एकड़ भूमि जमीन सिंचित बिना पानी के सूखी पड़ी रहती है, तो उनको सिंचाई की व्यवस्था का काम करने का काम हम करेंगे। चुनाव जीतते हो तो कौन से ऐसे काम रहेंगे जो विधानसभा में भीतर है। चुनाव हम जीतते हैं, काम हमारे सबसे पहले काम तो ये हैं कि हम एक किसानों के बीच, गरीब मजदूर के बीच में उनके सुख दुख में साथ देने वाले हम ऐसे व्यक्ति हैं कि हम ज़मीन से जुड़ के चलते हैं। कहीं किसी को कोई तकलीफ़ हो, कोई विडम्बना आती है, हमारे पास फ़ोन आता है तो मैं आधी रात को भी उसके घर पर पहुंच जाता हूं। इसलिए हमारी मऊरानीपुर क्षेत्र की जनता, गरीब मजदूर किसान हमसे इतना स्नेह करता है और उन्हीं ने हमको प्रेरणा दी कि अध्यक्ष जी आप चुनाव लड़िएगा, हम आपके साथ हैं और हम आपको जिता करके लखनऊ भेजने का काम करेंगे। झांसी से आर्यन शर्मा की रिपोर्ट।